गाइस तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस यहाँ पर आज ना इंडिया में काफी सारे नए डिवाइस को न्यू अपडेट्स देखने के लिए मिले, जिसमें मिलता है MIUI 13 का अपडेट, एंड्रॉइड 12 का अपडेट और न्यू सिक्योरिटी अपडेट। तो कौन से डिवाइस आप लोग कैसे अभी अपडेट कर सकते हो, कुछ नए डिवाइस को इंडिया में मिले हैं, तो वीडियो को बस पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर लेना है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर डिवाइस की बात करें, अगर आपके पास देखने के मिलता है Redmi Note 10 Pro Pro Max का डिवाइस इंडियन वेरिएंट का, तो यहाँ पर जिनको अभी तक MIUI 13 का अपडेट नहीं मिला था, MIUI 13.0.3.0 का अपडेट, तो आप लोग चेक कर लो। अब यहाँ पर लगभग ये अपडेट सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो चुका है जिनको नहीं मिला था उनको। 320 MB की साइज मिलती है, यहाँ पर आपको एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है मार्च 22 का, और ये अपडेट इंडिया में रिलीज किया गया Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर इसकी जो लिंक से मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी, तो यहां से आप लोग मैन्युअली अपडेट कर सकते हो अगर आप लोग अभी अपडेट करना चाहते हो, अगर आप लोग अपडेट नहीं मिला है तो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट की न्यूज और लिंक्स वगैरह पाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, अगर आपके पास देखने के लिए मिलता है MI 10i का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस, तो फाइनली यहाँ पर आप लोग के लिए आज एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5.5.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने मिलता है, 122 MB की साइज देखने मिलती है, और यहाँ पर ये जो अपडेट है MI 10i के लिए इंडिया में रिलीज किया गया। बट सवाल ये आता है अभी MIUI 13 अपडेट क्यों नहीं मिला, जबकि यही अपडेट मिलना चाहिए था। बट क्या कर सकते, Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है यार। अभी यहाँ पर MI 10i के लिए ग्लोबल साइड में अलग नाम से देखने के मिलता है, वहां पर MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिल चुका है, बट यहाँ पर अभी तक इंडिया में MIUI 13 अपडेट नहीं मिला, और यहाँ पर एक न्यू सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिला है इंडिया में। तो अब आपको MIUI 13 अपडेट के लिए नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अपडेट फुल्ली रोल आउट हो जाएगा इसके बाद ही आपको MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए अपडेट इंडिया में रिलीज किया गया MIUI 12.5.5.0 का अपडेट, 122 MB की साइज है, तो आप लोग चेक करो कि आप लोग अपडेट मिला है या फिर नहीं। वैसे ही अपडेट कुछ फाइल यूजर को मिला, सभी यूजर को नहीं मिला, एक वीक का वेट करो सभी यूजर को फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो जिनके पास इंडिया में Redmi Note 10 का डिवाइस है, तो गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए MIUI 13.0.1.0 का अपडेट फिर से आज कुछ यूजर को रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, कल पार्शल रिलीज किया गया था, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया अपडेट तो आप लोग आज चेक कर सकते हो, आज ही अपडेट सुबह देखने के लिए मिला है, और काफी सारे यूजर को अभी थोड़ी देर पहले भी देखने के लिए मिला है। तो जिनके पास Redmi Note 10 का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस आप लोग चेक करो, यहाँ पर मिलता है MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर, 3.2.6 GB की साइज देखने के लिए मिलती है। वैसे यहाँ पर इसकी जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग इसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले Redmi Note 10s में एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5.3.0 का अपडेट देखने के लिए मिलता है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अभी तक MIUI 13 अपडेट नहीं मिला है, जबकि मैंने 2 दिन पहले आपको एक ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि आप लोगों को बहुत ही जल्द MIUI 13 अपडेट मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो न्यूज़ बिल्कुल सही है, और आपको MIUI 13 अपडेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। फिलहाल के लिए वो जो अपडेट है MIUI 13 का अपडेट पहले ग्लोबल साइड में रिलीज किया जाएगा, उसके बाद ये अपडेट इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए इंडिया में एक न्यू अपडेट आज मिलना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.5.13.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के मिलता है, 59 MB की साइज देखने के लिए मिलती है। छोटा सा अपडेट है, लेकिन यार ये अपडेट इंडिया में देखने के मिलता है Redmi Note 10s के लिए, और इसके बाद ना आपको MIUI 13 अपडेट मिलने वाला है। मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा, और उससे पहले पहले ग्लोबल में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा MIUI 13 का अपडेट, और इसकी जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। बट आप लोग अभी फिलहाल मैंने लिए अपडेट ना ही करो तो ही ज़्यादा अच्छा, और अपडेट होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो अपडेट है पायलट यूजर को रिलीज किया गया, सभी यूजर को नहीं मिला है। तो इंतजार करो, जैसे सभी को मिलना स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जिनके पास MI 11 Ultra का डिवाइस है, तो फाइनली यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MI 11 Ultra के लिए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.2.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको 3.5 GB की साइज, और आप लोग देख सकते हो थोड़ी देर पहले अपडेट देखने के लिए मिला है MI 11 Ultra के लिए इंडिया में। यहाँ पर मिलता है सिस्टम का ऑप्शन, जिसमें मिलता है Android 12 के अपडेट, और इसके साथ साथ फरवरी 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, और MIUI 13 के सारे फीचर्स। तो ये अपडेट जिसको नहीं मिला था उनके लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जिसको नहीं मिला है फिर से आप लोग को फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा 6-7 दिन का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी अगर आपके पास MI 11 Ultra का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस से, तो आप लोग चेक करो, शायद आपके डिवाइस में भी अपडेट अभी आया होगा, अगर आया है तो तुरंत डाउनलोड करके उसको अपडेट कर लेना, वरना रोल बैक फिर से हो जाएगा।
और मैं आपको बता दूं ये अपडेट अभी सभी यूजर को नहीं मिला, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अपडेट सिर्फ पार्शल रिलीज किया गया। तो सभी यूजर को मिलने के लिए आपको मैंने बताया आपको 1 वीक का वेट करो, फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस यहां पर जिनके पास MI 11 Lite का 5G वेरिएंट का डिवाइस है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर आप लोगों के लिए MIUI 13 का एक और न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.4.0 का एक न्यू बिल्ड नंबर अपडेट देखने में, और यहां पर ये जो अपडेट है ग्लोबल के लिए रिलीज किया गया। यहां पर मिलता है अप्रैल 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो अगर आपके पास MI 11 Lite 5G का ग्लोबल वेरिएंट का डिवाइस है तो आप लोग चेक कर लो, यहां पर आप लोगों के लिए फाइनली एक और न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा यहां पर इंडिया में जिनके पास Poco X4 Pro 5G का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, यानी कि Redmi Note 11 Pro 5G के नाम से भी देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर आप लोगों के लिए MIUI 13.0.4.0 का अपडेट देखने के लिए मिला है। तो आप लोग चेक करो क्या आप लोगों को ये अपडेट देखने के लिए मिला है या फिर नहीं, जिनको नहीं मिला 4 दिन का वेट करो, फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ डिवाइस है जिनको आज इंडिया में अभी थोड़ी देर पहले न्यू अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर काफी सारे डिवाइस जिनको अपडेट आने का नाम नहीं ले रहे, जैसे Poco M2 हो गया, Poco M2 Pro हो गया। गाइस थोड़ा सा वेट करो, आने वाले 2 से 3 वीक में आप लोग के लिए भी एक न्यू अपडेट रोल आउट होने वाला है बहुत ही जल्द। बाकी यहाँ पर Redmi Note 9 सीरीज के लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स आज देखने के मैंने यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बता दिया, जैसे और डिवाइस को अपडेट्स मिलते रहेंगे बाकी मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप चैनल दोनों की। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए फटाफट से इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अपडेट आएगी आप लोगों को पता चलते रहेगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।